सुनिए, आप हैं कौन? मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता। मुझे यही घर बताया गया था जी, A2, डॉक्टर धमीजा। ओ, डॉक्टर धमीजा कान में रहते हैं A3। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप बहुत अच्छा गाती हैं, मैं काफी देर से खड़ा सुन रहा था। मैंने आपको देखा नहीं। देखा तो मैंने भी आपको नहीं। थैंक यू कोने में बैठा सफेद सी शॉल पहने। इस पार्टी में आधे से ज्यादा लोगों को तो मैं जानती तक नहीं। अरे बाबा, जॉइंट फैमिली है ना, कैस भी जॉइंट आते हैं, पर वो तो लगता है ब्लाइंड है। आप काजू लेंगे? आप? हेलो, आप यहाँ कैसे? आपने मुझे पहचाना? हाँ, क्यों नहीं, हाल ही में तो हमारी मुलाकात हुई है। मैंने आपके घर आने की जरूरत की थी, नहीं? हाँ, लेकिन आपने पहचाना कैसे? क्यों, आपकी आवाज से, सेंस ऑफ साउंड। जी हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने मुश्किल से 4 लफ्ज बोले होंगे। तो किसी को पहचानने के लिए आपको बार बार देखना पड़ता है क्या? आप इस पार्टी में कैसे? अंजुल और सुरेश हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है मेरे। और मेरी बिल्कुल जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूँ। सुरेश के बड़े भाई साहब मिस्टर R.K. भारद्वाज हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। देखिए, हमारे स्कूल में अंधे बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी सुविधाएं हैं, लेकिन अंधे बच्चों की कुछ और भी मांगे होती हैं। डोनेशंस देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन पैसे से हर काम थोड़ी होता है। हमें तलाश है तो ऐसे लोगों की जो अपना वक्त दे सके। तो क्या आप क्यों नहीं हमारे स्कूल में आती दोस्त बनकर? लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? आप बच्चों को गाने सिखा सकती हैं? नहीं नहीं, गाना तो बस अपने शौक के लिए गा लेती हूँ, थोड़ा सा, बाहर गाना नहीं गाती। अच्छा, बहुत अफसोस है कि आप अपने सुरों को बांध के रखना चाहती हैं। वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत है। ये 40 रुपये और 15 रुपये और 12 रुपये और डेढ़ 3, ये 4.5। 71 रुपये 50 पैसे। 71 रुपये 50 पैसे। अच्छा, ये लीजिए, ये आपके पैसे। ये कितने कितने का नोट है? 20-20 के 4 नोट है। अच्छा, थैंक यू। सुनिए, ये पैसों के मामले में कभी आपको कोई शिकायत नहीं होती? लोग फायदा नहीं उठाते, मेरा मतलब है हिसाब में गड़बड़ नहीं होती आपकी? आमतौर पर होती है, पर क्योंकि टोटल अक्सर अधिक निकलता है इसलिए कोई शिकायत नहीं होती। आपको बुलाए सर, मिसेस प्रसाद आई है। आइए आइए मिसेस प्रसाद, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। तशरीफ रखिए। जगदीश। हाँ सर। क्लास 10 को बोटानिकल गार्डन्स ले जाना है। हाँ सर। उसके लिए बस का इंतजाम? हाँ वो सर अभी। अच्छा, और कॉफी? जी। आप कॉफी ही लेंगी ना या कुछ ठंडा? जी नहीं, कॉफी ठीक है, शुक्रिया। तो आप हैं मिसेस प्रसाद? बड़ी खुशी की बात है, आपने अपना इरादा बदल दिया। क्यों, सच नहीं है? कुछ चेहरे
कुछ मोमबत्तियां, कुछ स्पर्श। आप हफ्ते में कितने दिन आ सकेंगी? 7। वाकई बहुत खूब। वैसे 6 ही काफी हैं। हमारे यहां भी इतवार को छुट्टी होती है। आप बच्चों को गाने सिखाएंगी? गाने, कहानियां, नाटक, हैंडीक्राफ्ट सबको जाता है थोड़ा थोड़ा। आप ही बताइए इसमें से क्या सिखाएं। मैं यही चाहूंगी बेचारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। देखिए, एक छोटी सी अर्ज है, एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा होगा। बेचारा, हमें मदद चाहिए, तरस नहीं। यहां के बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी जरूर है, लेकिन उस कमी का बार बार एहसास दिलाने से कोई फायदा नहीं है किसी को भी। बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि जिंदगी में फिर भी उम्मीद है। ये कैसे होगा आप सोचेंगी? ये आपकी नई आंटी कविता जी हैं। ये आपको नई नई कहानियां सुनाएंगी, गाने सिखाएंगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप लोग तो मेरा नाम जान गए, अब मैं भी आप लोगों का नाम जान जाऊं? एक एक करके बताइए। आपसे शुरू करते हैं, अपना नाम बताइए। आपसे कह रही हूँ। हरीश। हरीश कुमार गुलाटी कक्षा 3। अजय कुमार कक्षा 2। सुरेश कुमार कक्षा 3। हाँ, बांधता था कई साल पहले। आती है बांधनी? हाँ, क्यों नहीं, मतलब आती थी, मालूम नहीं शायद भूल गया हूं। बांध के बताइए। अच्छा, मैं आज पराठे लाई हूं आलू के। क्यों? खाने के लिए। कल केक लाई थी, आज पराठे लाई हो। कविता, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता, पराठे या केक? तुम्हारा इस तरह हर रोज घर से कुछ ना कुछ बना के लाना। भाई, यहाँ कैंटीन है, मेस है। सुबह शाम कैंटीन और मेस, वही रूखी रोटी सूखी सब्जी। देखो कविता, ये खाना मैं अकेले नहीं खाता हूं, स्कूल के सारे बच्चे यही खाना खाते हैं, और इस देश में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त। इतनी सी बात को आपने नेशनल इश्यू बना दिया। काश मैं सबके लिए कुछ कर सकती। बताइए, इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर? तुम्हारा स्कूल में आना ही एक किस्म का एहसान है, तुम्हें हम ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे पाते हैं। शुरू में सिर्फ एक घंटा तय हुआ था, लेकिन अब तुम दिन भर यहीं रहती हो। दूसरा कोई हमदर्दी दिखाए तो आप कितने नाराज हो जाते हैं, लेकिन अपने आप से कितनी हमदर्दी है आपको? यू फुल ऑफ सेल्फ पिटी। कविता, आज बोलने दीजिए। मुझे समझने की कोशिश मत करो कविता, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। मुझे अपनी अंधेर नगरी में अकेला रहने दो। अंधेरे में आप अकेले नहीं हैं, मैं भी तो अंधेरे में ही रहती हूं। हाँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे अंधेरे में फर्क है। क्या हमारा उजाला एक नहीं हो सकता? क्या कह रही हो तुम? एक सादा सा सवाल पूछा मैंने। सर, सर। हाँ? बुरी खबर है सर। क्या? मिसेस दुबे गुजर गई हॉस्पिटल में। ओहो, अच्छा, कब?
सॉरी दुबे, अभी खबर मिली? रियली वेरी सॉरी. नो, डोंट बी सॉरी फॉर हर. छूट गई जिंदगी, जी ही नहीं बेचारी ने और मर गई. अरे ऐसा मत कहो दुबे, 10 साल तुम दोनों ने साथ गुजारे हैं. सब कुछ थी वो मेरे लिए, मेरी सफेद छड़ी थी वो. जब सुमन से शादी नहीं हुई थी तब काफी इंडिपेंडेंट था, लेकिन जब से उसका साथ बना तब से मैं हर चीज के लिए, हर बात के लिए बच्चे की तरह एक आदत सी बन गई. मेरे टाइमिंग की दाद दीजिए. ये क्या हुआ, कुछ बात है? हाँ कविता, ये कहना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती. मैं मजबूर हूं कविता. कविता आई एम सॉरी बट वी मस्ट ब्रेक आवर एंगेजमेंट. लेकिन ऐसे ही क्यों? प्लीज कविता, कोई सवाल मत पूछो. हाँ हाँ, मिस्टर परमार इज लीविंग स्कूल. हाँ जी, सुना तो हमने भी है. आखिर क्यों? क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया है कानपुर. ऐसा कैसे हो सकता है, वो शुरू से यही हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आखिर ये इंस्टीट्यूट वो ही तो हैं. अरे दुबे जी, ट्रांसफर उन्होंने खुद मांगा है. वो दिल्ली से दूर जाना चाहते हैं. समय जगदीश. सर आपके लिए खत है कविता जी का. अच्छा, पढ़ के सुना दो. सर आप खुद पढ़ सकेंगे, खत ब्रेल में है, कविता जी ने खुद लिखा है. अच्छा. प्रिय अनिरुद्ध, आप जीत गए, मैं हार गई. मैंने आपको कहा था कि इन बच्चों को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझसे कई गुना ज्यादा इनको आपकी जरूरत है. अगर हम दोनों में से किसी एक के चुनाव की बात आती है तो मैं कहीं नहीं टिक पाती हूँ. मैं संस्था छोड़ रही हूँ. कविता. मैं जो हूँ, लेकिन कविता ने मुझे इसलिए नहीं अपनाया कि मैं हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, अंधा हूँ. कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसकी हर बात से यही जाहिर होता था. एक अपाहिज से शादी करके वो शहीद होने जा रही. मैं सिर्फ एक जरिया था. दूल्हा मैं बनूंगा क्योंकि मैं अंधा हूं. मुझे हर चीज के लिए हर वक्त उसके सहारे रहना पड़ेगा. वो मेरी सेवा करेगी. उसका सुंदर त्याग कभी खत्म नहीं होगा. यही रहेगी हमारे वैवाहिक जीवन की कहानी. त्याग, सेवा, बलिदान, बस प्यार नहीं. इस नतीजे पर कैसे पहुंचे आप? आप खुद भी तो सोचकर देखिए, क्या पिछले 6 महीनों में आपने कविता की हर बात में, हर चीज में प्यार महसूस नहीं किया? मैंने किया है. वो सचमुच तुम्हें बहुत चाहती है अनिरुद्ध, मुझे मालूम है. इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आई हूं. तुम्हें कविता की नहीं, कविता को तुम्हारी जरूरत है. उसे इस तरह छोड़कर तुमने उसे ऐसा धक्का दिया है कि फिर वो शायद कभी भी नहीं उठ पाएगी. काश मैं सब कुछ तुम्हें समझा पाती, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम सचमुच अंध. तुम सोने के लिए क्या इतने लोभी हो? चलो
आज से तुम जिस किसी भी चीज को स्पर्श करोगे वो सोने की हो जाएगी। राजा मिड़ास मन में बहुत खुश हुआ। उसने सोचा और क्या चाहिए। कौन? हाँ प्यारे, क्या हो रहा है? मैं पप्पलू को कहानी पढ़कर सुना रहा हूँ। क्या, तुम पप्पलू को कहानी सुना रहे हो? हाँ, क्यों नहीं सर, इतने दिन मैंने जो उसको पढ़कर सुनाई। आंटी ने 6 बुक्स ब्रेल में लिखकर भेजी हैं, बढ़िया बढ़िया, इसलिए राम प्यारे बहुत खुश है। 2 टॉफियां लेगा सर, वही हिसाब किताब है। अच्छा, शाबाश राम प्यारे, शाबाश। प्याला छलका उजला